इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा परफॉर्म किया जिनको 2021 के मेगा ऑक्शन में कोई ना कोई टीम जरूर इंक्लूड करेगी अपनी टीम में, और इनमें से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की भी एक टीम है जो कि उनको इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेगी 2021 के मेगा ऑक्शन में। तो गाइस कौन कौन से खिलाड़ी है, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस के लिए, तो प्लीज एंड तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन गाइस मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बारे में। तो गाइस जब से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम यहाँ पे माइक हसन की तरफ से एक दो अपडेट यहाँ पे निकल कर आई है कि हम लोग इन प्लेयर को टारगेट करेंगे और हम लोगों ने जो कि प्लेयर के साथ कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं हम। तो गाइस मैं सबसे पहली बात बता दूं 2021 का मेगा ऑक्शन अब ज्यादा दूर नहीं है, जैसे बीसीसीआई का मीटिंग यहाँ पे खत्म होगा 24 दिसंबर को वहीं पे हम सभी को ऑक्शन का डेट और आईपीएल 2021 में क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें 24 दिसंबर को सब कुछ यहाँ पे पता चल जाने वाला है। और ऐसे में जैसे कि बीसीसीआई ने पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अप्रैल के महीने में आईपीएल स्टार्ट होगा और यहाँ पे टीमों को मौका चाहिए और अब जनवरी महीना भी आने वाला है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 महीने का वक्त बच चुका है और 2-4 महीने बाद हम सभी को फिर से आईपीएल 2021 हम सभी को देखने को मिलने वाला है। और ऐसे में 2021 का ऑक्शन खत्म होगा जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने में जैसे ऑक्शन खत्म होगा तो टीमों के पास वक्त बचेगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 महीने का, और 3 महीने बाद हम सभी को फिर से आईपीएल 2021 देखने को मिलेगा। और ऐसे में सभी टीम जो कि अपने अपने प्लेयर्स के साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर चुकी है, कौन कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में इंक्लूड करेंगे तो गाइस वो लोग यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं एंड गाइस उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाना भी यहाँ पे स्टार्ट कर चुकी है। तो गाइस हम बात करते हैं सबसे पहले टीम कौन सी टीम है जो कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपना बना रही है। तो गाइस सबसे पहले टीम का नाम निकल कर आ रहा है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का। तो गाइस कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम यहाँ पे मेगा ऑक्शन में बहुत ज्यादा एक्टिव देख रहे हैं एंड कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से रेगुलर यहाँ पे रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही है, अपडेट्स भी निकल कर आ रही है। अगर हम लोग बात करें दूसरी टीम की तो दूसरी जो टीम निकल कर आ रही है उनका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है 2021 के मेगा ऑक्शन के लिए, और माइक हसन की तरफ से अपडेट निकल कर आ रही है कि माइक हसन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जिस खिलाड़ी ने सबसे कमाल का परफॉर्मेंस किया है उस खिलाड़ी का नाम है मैथ्यू वेट। तो गाइस इस खिलाड़ी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम 2021 के मेगा ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। जी हां गाइस आपको मैंने पहले ही बताया था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के माइक हसन पिछले साल जिस तरह से उन्होंने काम किया था उसी इस साल भी वो उसी तरह से काम करने वाले हैं, और उन्होंने ऑक्शन से पहले गाइस यहां पे सभी प्लेयर्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं, सभी लीग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं, सीरीज के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर चुके हैं और प्लेयर्स को भी ढूंढना स्टार्ट कर चुके हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के माइक हसन। तो गाइस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के माइक हसन का कहना है कि मैथ्यू वेट अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आएंगे तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में बैटिंग लाइनअप गाइस उसमें बहुत ज्यादा तगड़ी यहाँ पे नजर आ सकती है, और मैथ्यू वेट जिस तरह से उन्होंने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में परफॉर्म किया है और एक खिलाड़ी बहुत बड़े लेवल में परफॉर्म कर सकता है उनका ऐसा कहना है। और गाइस अभी मैथ्यू वेट की तरफ से भी एक अपडेट एक आर्टिकल निकल कर आई थी जहाँ पे उन्होंने बताया था कि वो भी आईपीएल खेलने के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन किसी भी टीम ने उनको अपने टीम में इंक्लूड किया ही नहीं है, और फाइनली ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उनको मौका दिया और उस मौके पे वो खड़े भी उतरे और पूरी क्रिकेट को दिखा दिया कि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। और गाइस यहाँ पे आप गाइस वो आईपीएल ऑक्शन में भी आएंगे और यहाँ पे पूरी तरह से टारगेट करने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी के बारे में जिनके ऊपर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम टारगेट करने वाली है एंड अभी से निशाना वो लगाना स्टार्ट कर चुकी है। तो गाइस उस खिलाड़ी का नाम है मिचेल स्विपसॉन। जी हाँ गाइस एक खिलाड़ी भी काफी कमाल का गेंदबाजी करता है, लेग ब्रेक गेंदबाजी करते हैं एंड काफी कमाल के ए भी गेंदबाजी किए हैं इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में, और इस सीरीज से गाइस ए भी चमक चुके हैं और ए भी अब मेगा ऑक्शन में आने वाले हैं और मेगा ऑक्शन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम भी इनको अपनी टीम में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ये लेग ब्रेक करते हैं गाइस इनको जरूरत है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जरूरत है इस खिलाड़ी को, और एक खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम में आता है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की गेंदबाजी और ज्यादा स्ट्रांग हम सभी को नजर आ सकती है। युजवेंद्र चहल के साथ गाइस गेंदबाजी अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ए बीबीएल में भी काफी कमाल के परफॉर्म किए हैं स्विपसॉन। तो गाइस आपका इस पर में क्या ओपिनियन है, क्या स्विपसॉन और मैथ्यू वेट के आ जाने से रॉयल
चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की लाइनअप कितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपना अपना ओपिनियन आप लोग जरूर दीजिएगा। तो गाइस अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगी, उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।